स्टूडेंट्स, वेलकम टू पजासो टेक्नोलॉजीज़। आज हम C++ के DVR के बारे में जानेंगे। हम C++ के DVR को लैपटॉप से कैसे कनेक्ट करते हैं और इसको कनेक्ट करने के बाद इसको कॉन्फ़िगर कैसे करते हैं और इसको ऑनलाइन कैसे करते हैं और मोबाइल पे कैसे व्यू करते हैं। तो हम A to Z और एक और चीज़ हम सीखेंगे कि VMS Pro के थ्रू हम अपने DVR को लैपटॉप पे कहीं से भी कैसे एक्सेस कर सकते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में आज हम सीखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने क्या किया है, अपने DVR को लैपटॉप के थ्रू एक Cat6 LAN केबल से कनेक्ट कर लिया है। अभी हमें क्या है, DVR का IP एड्रेस नहीं पता है। नॉर्मली 192.168.1.240 होता है, बट हमें क्या है, अगर नहीं पता है, मे बी DVR का IP एड्रेस कुछ और, अगर एक्स्ट्रा कुछ चेंज है, कुछ अलग है, तो हमें उसे कैसे सर्च करना है, मैं अभी वो भी आपको बताता हूँ। उसमें क्या करना है, हमें यहाँ पे से एक सॉफ्टवेयर होता है IP Scan। तो उससे क्या करते हैं, IP Scan का यूज़ करके हमारे नेटवर्क में जितने भी डिवाइसेस कनेक्टेड रहते हैं उसका हम IP एड्रेस स्कैन कर लेते हैं। तो चलिए देखते हैं अभी क्या है, हमने क्या है, IP की जो रेंज लिया है 192.168.1.1 लिया है, 1 से 255 तक लिया है। तो चलिए स्कैन करते हैं इसको। मैंने यहाँ हाइट डेड होस्ट को चेक कर दिया है, इससे क्या, जो डेड होस्ट रहेंगे जो अभी कनेक्ट नहीं है वो हमें यहाँ पे डिस्प्ले नहीं होंगे। देखिए अभी ये स्कैन कर रहा है, स्कैन करके अभी देखिए अभी हमारे पास कुछ लिस्ट ऑफ IP एड्रेस आ जाएंगे। वो IP एड्रेस आने के बाद हम, अगर हमारे पास ज़्यादा हैं, देखिए जैसे हमारे पास 10 है, 14 है, 20 है और या और 240 है। तो जैसे 20 तो हमने अपने सिस्टम का IP एड्रेस रखा है, वो कैसे रखा है, अब हमें क्या करना पड़ता है, विंडो और R प्रेस करना पड़ता है, रन आ जाता है, उसमें लिखना पड़ता है हमें ये ncpa.cpl, ये लिख के हमें एंटर करना होता है। तो हमारी नेटवर्क एंड शेयरिंग की जो स्क्रीन है ये खुल जाती है। ये हमारा ईथरनेट में हमने कनेक्ट किया हुआ LAN केबल को, इसको डबल क्लिक करना है हमें, यहाँ प्रॉपर्टीज़ में जाना है, यहाँ पे IPv4, यहाँ पे क्या है, यूज़ द फॉलोइंग IP एड्रेस पे चेक करके हमने यहाँ पे IP एड्रेस डाल दिया, 192.168.1.20 डाल दिया है। अब ये क्योंकि ये सी क्लास का IP एड्रेस है, इसी वजह से इसका सबनेट मास्क होगा 255.255.255.0। इसको एक्चुअली मैनुअली आपको डालना नहीं है, जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे ऑटोमेटिक आ जाएगा ये। और यहाँ पे हमें DNS एड्रेस अभी डालना नहीं क्योंकि हमें लोकली एक्सेस करना है। ये हमने ये कर दिया है, ओके, हमने इसको बंद कर दिया है। उसके बाद हमने स्कैन किया तो हमारा IP एड्रेस आ गया। जैसे ही, चूँकि हम जानते हैं कि C++ का 240 ही होता है, तो हम, अगर हमें नहीं पता क्या है, मे बी शायद अगर कुछ भी हो तो हमें 1 by 1 चेक करना पड़ेगा। अभी हमें 240 पता है तो हम 240 ओपन कर लेंगे डायरेक्ट। यहाँ से हमें क्या करना है, इंटरनेट एक्सप्लोरर खोलना है, INTERNET। एक चीज़ और आपको बता दूँ, जो CCTV है वो सिर्फ इंटरनेट एक्सप्लोरर पे ही चलेगा क्योंकि इसके जो प्लगइन्स होते हैं वो इसी पे सपोर्ट करते हैं। यहाँ पे हमारा ये ब्राउज़र खुल गया है, हमें यहाँ पे IP एड्रेस अपना डालना है। हमने IP एड्रेस देखा था 192.168.1.240 डाल के हमें एंटर करना है। अभी ये नहीं आया, हमें एक बार फिर से एंटर करना पड़ेगा, .168.1.240 फिर से नहीं आए, ये थोड़ा सा टाइम लेता है, एक दो बार वो फिर आ जाता है, नहीं आ रहा है 192.168.1.240। फिर से ट्राई करते हैं एक बार, 192.168.1.240 ये नहीं आ रहा है। ये हमारा C++ का वेब पेज खुल रहा है, ये आ गया। अभी तक हमारा इसलिए नहीं आ रहा था क्योंकि DVR हमारा ना प्रॉपर स्टार्ट नहीं होता, इस वजह से IP का पिंग तो आ रहा था बट हमारा पेज नहीं खुल रहा था। अभी स्टार्ट हो चुका है प्रॉपर। अब इसमें क्या है, ये पासवर्ड के लिए पूछ रहा है, तो पहले क्या है, पासवर्ड हमें ना सेट करना पड़ेगा। हम सेट कर देते हैं कुछ भी, जो भी आपको ठीक लगे। मैंने अपना पासवर्ड सेट कर दिया है, नेक्स्ट स्टेप। यहाँ पे दो ऑप्शन है, या तो आप अपना ईमेल आईडी डाल दीजिए या तो यहाँ पे कुछ सिक्योरिटी क्वेश्चंस डाल दीजिए। इसमें क्या है,
मैं अपना ईमेल आईडी तो नहीं डाल रहे हैं, आप कुछ सिक्योरिटी क्वेश्चन डाल देते हैं, या कुछ भी, दोनों ऑप्शन में कुछ भी कर सकते हैं या नहीं भी कर सकते हैं, ये है ना। यहाँ पे आप नेक्स्ट स्टेप कर दीजिए, सक्सेसफुली इनिशलाइज्ड हो गया है, ओके कर दीजिए। अभी फिर से जो आपने यूजर नेम, तो बाई डिफॉल्ट एडमिन ही होता है, ADMIN, और पासवर्ड होता है जो आपने अभी सेट किया है, ADMIN, ये मैंने पासवर्ड सेट किया है, लॉगिन कर दिया मैंने, नो SDT दिखा रहा है, क्यों? क्योंकि अभी हमने DVR में अपने SDT लगाई ही नहीं है। तो एक जगह एक्चुअली क्या है, ये भी बड़ा इशू आता है कई बार लोगों को, कि क्या है ना, अचानक DVR चलते चलते ये ऐसी अभी बीप की आवाज़ आती रहे, जैसे अभी आपको बीच बीच में बीप की आवाज़ आएगी, देखो अभी आएगी एक बार और। देखिए ये बीप की आवाज़ आ रही है, तो बीप की आवाज़ आने का रीज़न, जो मेन रीज़न होता है वो हार्ड डिस्क का भी इशू हो सकता है। तो हम ये जो बीप की आवाज़ है इसको कैसे बंद करेंगे, मैं सबसे पहले वो बता देता हूँ आपको। यहाँ पे हम सेटअप में जाएंगे, ये बहुत इरिटेटिंग नॉइज़ होता है, अबनॉर्मेलिटी में जाएंगे, इवेंट में जाके अबनॉर्मेलिटी में, तो यहाँ पे क्या है, इवेंट टाइप में आ रहा है नो हार्ड डिस्क। नो हार्ड डिस्क में क्या है, इसने ये एनेबल किया हुआ है, हम इसको डिसेबल में कर देंगे और सेव कर देंगे, ठीक है। दूसरा क्या है, ये बजर को हम हटा देते हैं, यहाँ पे हार्ड डिस्क एरर पे भी, तो हार्ड डिस्क नहीं है तो हार्ड डिस्क एरर भी आ सकती है, ये भी हम हटा देंगे, नो डिस्क स्पेस, इस पे भी सेव कर देंगे। अब देखिए अब नहीं आएगी, ठीक है। चलिए ये तो हमारा हो गया, अभी क्या है, हम अभी इसमें आते हैं सेटअप में, ये हमने ये हार्ड डिस्क का तो यहाँ पे कर दिया है, हार्ड डिस्क में हमने सारा डिसेबल कर दिया है, बजर बिल्कुल भी नहीं है इसमें, लेकिन फिर भी आता है, आता है इसलिए क्योंकि नेटवर्क में जाइए, यहाँ पे नेटवर्क डिसकनेक्शन है, इसको आप डिसेबल कर दीजिए, सेव कर दीजिए, IP कॉन्फ्लिक्ट पे भी डिसेबल कर दीजिए, और मैक कॉन्फ्लिक्ट पे भी डिसेबल कर दीजिए, इलीगल लॉगिन पे भी, कोई भी बजर आप हटा दीजिए, तो ये अभी नहीं आएगा, है ना। आगे अब हम सेटअप की तरफ चलते हैं, तो सेटअप की तरफ में सबसे पहले नॉर्मली हमें क्या है, रिमोट, ये कैमरा है, कैमरा हमें इसमें लगाया नहीं है, तो हमारा इसमें कैमरे का भी नहीं आएगा, तो सिस्टम में चलते हैं। सिस्टम में क्या है, सबसे पहले जनरल सेटिंग होती है, जनरल सेटिंग में नॉर्मल हमारा ये डिवाइस है और यूनी प्लस DVR है, ये सब एज इट इज ऐसे रहने देना, कुछ नहीं करना है। सबसे पहले डे टाइम सेट करना है, डे टाइम हमारा फॉर्मेट DTMMYYY, यही फॉर्मेट रहेगा, 24 आवर का है। अब ये टाइम जोन जो सबसे मेन है, हमें जो चेंज करना था GMT+1 है, इसको 5:30 करना है, ये है 5:30 हमारा इंडिया का होता है, यहाँ सिंक कर देंगे PC से, तो जो हमारा सिस्टम का डेट एंड टाइम है वो आ जाएगा, और हमें कुछ करना नहीं है इसमें। डेट एंड टाइम सेट हो गया, 12 तारीख है आज। उसके बाद फिर क्या करना है, डिस्प्ले में जाना है, डिस्प्ले में हम ट्रांसपेरेंसी कितनी है, रेजोल्यूशन वगैरह है, ये सब तो कर सकते हैं, या इसमें क्या होता है, ये टूर सेटअप कर सकते हैं, जैसे हम मॉनिटर से कनेक्ट करते हैं तो दो दो कैमरे या सिंगल सिंगल कैमरा या जितने भी हम चाहें, वो टूर चलता रहता है, स्लाइड शो चलता रहता है, तो वो यहाँ से सेटअप होता है। इसको इनेबल करके यहाँ से कितने व्यू देखने, एक देखने, चार व्यू देखने हैं, इंटरवल कितने सेकंड का रहेगा और कितने कैमरे देखने हैं, वो यहाँ से हम सेट कर सकते हैं, ये है मल्टी व्यू है, तो इसमें भी हमें कुछ नहीं करना है, हमें क्या आगे चलना है, PTZ में कुछ नहीं करना है, टेक्स्ट ओवरले में नहीं करना है। टेक्स्ट ओवरले में क्या होता है कि हमारा प्रोटोकॉल है, ये क्या
क्या है, प्रोटोकॉल कौन सा रहेगा वो है। और इसमें भी हमें एक्चुअली ऐसा कुछ करना नहीं होता है, वॉइस में भी कुछ नहीं करना है हमें। अकाउंट में हमारा जो यूज़र आईडी पासवर्ड है उससे रिलेटेड है, कुछ ऐड यूज़र ऐड करना है या यहाँ से मॉडिफ़ाई करना है हमें, तो हम यहाँ से मॉडिफ़ाई कर सकते हैं। और बैकअप इसमें से नहीं है, अपग्रेड नहीं। वैसे जैसे क्या है, आपको कुछ अपग्रेड करना है, जैसे अपना DVR अपग्रेड करना है, तो यहाँ से फॉर्मवेयर फाइल यहाँ से ब्राउज करके सेलेक्ट करके यहाँ से अपग्रेड कर सकते हैं। और उसके बाद फिर हम आ जाते हैं स्टोरेज में। स्टोरेज में क्या है, जो बेसिक में चलते हैं तो SSD फुल का होगी तो ओवरराइट होता जाएगा। मतलब जैसे हमें क्या है, इसमें 1 TB की हमने हार्ड डिस्क लगा दी है, तो ये 10 दिन का हमें 4 कैमरे लगा दे तो डेटा मिलता है, तो वो आगे से वीडियो ऐड होती रहती है, पीछे से डिलीट होती रहती है, जिसको ही ओवर राइट है। इसमें पहले से ओवर राइट सेलेक्टेड है, तो इसमें हमें कुछ नहीं करना है। शेड्यूल में जा करके इसमें ये करना है कि शेड्यूल कैसे करना है रिकॉर्डिंग का। तो ये जो ग्रीन वाला दिख रहा है ये रेगुलर होगा, और जो ये आपको येल्लो दिख रहा है ये मोशन होगा। तो मतलब इसमें एक रेगुलर भी रिकॉर्ड करेगा और मोशन जितनी होगी वो सबको रिकॉर्ड करेगा। तो यहीं से वो सारा हम सेटिंग कर सकते हैं, संडे मंडे ट्यूसडे फ्राइडे सैटरडे सारे दिन का यहाँ पे है, और 0 to 24 मतलब 24 आवर का सेम सेटअप है। यही SSD सेटिंग है। इसमें SSD सेटिंग में इसलिए नहीं दिखा रहे क्योंकि हमने SSD इसमें ऐड नहीं की है, इसमें हम एक हार्ड डिस्क लगा सकते हैं। और इसमें यही है इसमें, और दूसरा क्या है, यहाँ नेटवर्क में की जो सेटिंग मेन है, यहाँ से IP एड्रेस सेट करते हैं। IPv4 है, स्टैटिक हमने किया हुआ है 1.240 है। और उसके बाद फिर क्या है, यहाँ पे कनेक्शन है, कनेक्शन में TCP पोर्ट वगैरह ये सारे पोर्ट हैं। इसको हम वाईफाई भी कनेक्ट करते हैं। वाईफाई कनेक्ट करने के लिए क्या करना होता है, इसमें हमारा एक वाईफाई डोंगल आता है, जिसका अगर आपको चाहिए तो नीचे मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, आप वो परचेज़ कर सकते हैं। वो डोंगल DVR में लगा करके, और यहाँ पे फिर आपका वाईफाई का नेम आ जाएगा, उस पर क्लिक करके उसका पासवर्ड डाल करके यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं वाईफाई भी इसमें। ये 3G 4G डोंगल के लिए होता है, जिसके थ्रू आप 3G 4G डोंगल कनेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद नीचे आते हैं तो ये है इंस्टा क्लाउड। ये इंस्टा ऑन क्लाउड है, जिसको हमें क्या है यहाँ पे एनेबल हमने कर दिया है, बट इसका स्टेटस ऑफलाइन आ रहा है। ऑफलाइन इसलिए आ रहा है क्योंकि अभी हमने इसको इंटरनेट से कनेक्ट नहीं किया है। एक बार हम इसको इंटरनेट से कनेक्ट कर लेंगे फिर हम आपको बताएंगे कि इसको मोबाइल पे कैसे देखना है। तो नीचे अभी इसमें बस इतना, हमने अपने DVR को इंटरनेट से कनेक्ट कर लिया है, और अभी हम इसमें अपने इंस्टा ऑन क्लाउड में जाएंगे। तो देखिए ऑटोमेटिक ये ऑनलाइन आ चुका है। अगर ये स्टेटस आपका ऑनलाइन आ रहा है, मतलब आपका DVR ऑनलाइन हो चुका है और आप मोबाइल से देखने के लिए रेडी हैं। तो हमारा DVR का बस इतना सा सेटअप होता है। जैसे आपको प्लेबैक देखना होता है, जैसे क्या है आपकी वीडियो है प्लेबैक देखना है, तो यहाँ पे आपको प्लेबैक में आना होता है, यहाँ से डबल क्लिक करना होता है, यहाँ से कैमरा 1, 2, 3, 4 अलग अलग देखना है, जैसे 4 का देखना है या सिंगल देखना है, तो यहाँ सेलेक्ट करके यहाँ पे प्ले पे क्लिक कर देते हैं तो आपका प्लेबैक आ जाता है। प्लेबैक देखने का इतना सा प्रोसेस है। और आपको अभी क्या है, जैसे ये है, तो अभी आपने DVR को कॉन्फ़िगर कर दिया है, DVR को आपने ऑनलाइन कर दिया है। अभी जो नेक्स्ट स्टेप है, आपको मोबाइल पे कैसे देखना है वो मैं बताता हूँ। उसके लिए क्या करना होता है, उसके लिए अभी हम क्या करते हैं, चलते हैं मोबाइल एप्लीकेशन पे। फ्रेंड्स हम यहाँ पे सर्च करेंगे मोबाइल एप्लीकेशन, अगर हमारे पास नहीं है तो हमें गूगल प्ले में जाना पड़ेगा। यहाँ गूगल प्ले में जाना है, यहाँ क्या काम करना है, यहाँ पे लिखना है GC Mob आ गया, इसको हमें डाउनलोड करना है। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है, तो यहाँ पे मुझे ओपन में दिखा रहा है, मैं यहाँ से ओपन कर लूँगा। यहाँ पे क्या करना है, यहाँ टच करना है, उसके बाद यहाँ वायर डिवाइस पे टच करना है, नेक्स्ट करना है, यहाँ इंस्टा ऑन सेलेक्ट करना है। यहाँ पे CCTV में कुछ भी डाल सकते हैं, हमने CCTV 1 डाल दिया है। यहाँ QR कोड स्कैन करने के लिए आ रहा है, हमें सीरियल नंबर मैनुअली भी डाल सकते हैं, यहाँ स्कैन करेंगे हम। ये QR कोड हमने जो अपने लैपटॉप में ओपन किया था CCTV का, वो स्कैन कर लिया है। ओके, यूजर नेम एडमिन ही रहता है, बाय डिफॉल्ट पासवर्ड हमने जो सेट किया था हम वो डाल लेते हैं। ओके, यहाँ पे हम स्टार्ट लाइव प्रीव्यू कर लेते हैं। देखिए हमारे कैमरे चल गए, इतना सा प्रोसेस है। यहाँ पे डबल क्लिक करके, यहाँ पे देखिए दो तरह का व्यू होता है, तो स्टैंडर्ड होता है, एक हाई डेफिनेशन होता है। यहाँ पे एक करना है टच, यहाँ पे देखिए अभी
हाई डेफिनेशन में करना है, इस पर कर देंगे, देखिए वीडियो क्लियर हो गई। यहाँ बस इतना सा है, ऐसे ऑनलाइन करना है। और अब जैसे आपको अभी वापस जाना है, फिर कभी ओपन करना होगा तो क्या करना है, कुछ नहीं, बैक करना है, ओके कर लेना है, फिर से वो एप्लीकेशन आपकी ओपन करनी है आपको। अब ऐड नहीं करना, अब यहाँ पे क्लिक करना है, नीचे आना है, अपना ये कैमरा सेलेक्ट करके स्टार्ट लाइव प्रीव्यू, आपके सारे कैमरे चल जाएंगे। अभी मैंने एक ही कैमरा कनेक्ट किया तो मेरा एक ही कैमरा आ रहा है, अगर आप इसमें चार कनेक्ट करेंगे तो चार आएंगे, जितने भी रहेंगे उतने आ जाएंगे कैमरे इसमें। बस इतना सही होता है, बहुत सिंपल प्रोसेस है। थैंक यू।